हाय एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम टू करियर की जेई यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल में यार तुम लोग मेरे को पहली बार देख रहे होगे, तो मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माई सेल्फ विपुल बग्गा, अ फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, NIT रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ यार मैं। मेरा खुद का एक YouTube चैनल है विपुल बग्गा के नाम से, और इस चैनल करियर की जेई में भी मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट तुम्हारे लिए लेकर के आ रहा हूँगा। ठीक है, निखिल भैया, मैं और सब मिल करके पूरी काउंसलिंग टीम तुम्हारी हेल्प कर रही होगी, और काफ़ी अच्छे से हम कोशिश करेंगे कि तुमको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके, सारी गाइडेंस मिल सके, कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम मत फेस करना पड़े तुमको अपने काउंसलिंग के टाइम पे। इसलिए देख सकते हो जेई काउंसलिंग 2022 के लिए हमने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, पूरी टीम डेवलप कर रखी है हेल्प डेस्क बाय करियर किक। यहाँ पर तुमको यार सारे मेंटर्स के सेशंस मिल रहे होंगे 1-to-1। उसके लिए यार तुमको एक काम करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक है, जाकर के उसको फिल कर दो, तुमको 1-to-1 वेबिनार मिल रहा होगा। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, उसको भी जाकर के ज्वाइन कर लो। जो भी क्वेरीज है तुम वहाँ पर ओपनली पूछ सकते हो, अपने कॉलेज को भी क्रेडिट कर पाओगे अकॉर्डिंग टू योर रैंक। तो अभी से जाओ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, और वो फॉर्म को भी फिल कर लो, जो लिंक है वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। आज इस वीडियो में क्या होने वाला है यार, आज इस वीडियो में मैं तुमको एकदम बेसिक से समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली ये जोसा काउंसलिंग और सीसेप काउंसलिंग होती क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बिकॉज बहुत लोग होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, क्लास 12th के जस्ट बात कर रहे होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है सारी चीज़ें कैसे चल रही होती है। तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज अपना मेन जोसा और सीसेप काउंसलिंग के ऊपर वीडियो। सबसे पहली चीज़ यार कि ये जोसा काउंसलिंग, और उससे आने से पहले मैं अपने बता दूँ कि भाई ये जो काउंसलिंग है वो कराई जाती है जेई मेन और जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए। मतलब जब अपन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यार एग्जाम देते हैं जेई मेंस, और अगर जेई मेंस में अच्छा क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, क्वालिफाई कर लेते हैं, जेई एडवांस देते हैं जिससे IITs मिल रही होती है, और जेई मेंस हमको NITs, IIITs, IIE, ST शिवपुर, और साथ में कोई कुछ अच्छी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट जो हैं वो जो है मिल रहे होते हैं जेई मेंस के स्कोर के थ्रू। तो अब जब अपन जेई मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद जेई एडवांस भी हो सकता है क्लियर कर लें, या सिर्फ जेई मेंस क्लियर करें, जेई एडवांस ना कर पाएं, तो उसके बाद जब हमारे पास हमारी एक रैंक आ जाती है, हमारा रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हमको ऐसा नहीं है कि भाई हमको जो उनसे कॉलेज में मन करे वहाँ जाएंगे और जाके प्रिंसिपल से या कॉलेज किसी प्रोफेसर से या डीन से या डायरेक्टर से बात करके एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं हो रहा होता है। हमको एक प्रॉपर सेट ऑफ गाइडलाइंस, प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स और काउंसलिंग से गुजरना पड़ता है। तो जब हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट हमारे हाथ में आता है, तो एक काउंसलिंग है जिसका नाम है जोसा काउंसलिंग। भैया जी, ये जोसा का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये एक काउंसलिंग है, दिस इज अ टोटली गवर्नमेंट साइट ही होती है यार। और इसका जब जेई मेंस एग्जाम खत्म हो जाता है, फिर जेई एडवांस एग्जाम खत्म हो जाता है, एडवांस के अगले दिन या एक दिन बाद इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये होते किन के लिए, ये जो काउंसलिंग है वो किन कॉलेजेस के लिए होती है यार? ये सारी IITs, NITs, IIEST, IIITs और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए ये काउंसलिंग हो रही होती है। सभी को पता है ये सब सारे बहुत ज़्यादा प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, खास करके ये दोनों और ये, ठीक है। इसकी यार सबसे पहले जैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा, तुमको इसके वेबसाइट में जाना होता है, इसके वेबसाइट में जा करके इसके लिए तुमको रजिस्टर करना होगा, और वहाँ पर लिंक आ जाएगी, तुमको अपना ऑटोमेटिकली जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ वो डालना होता है, ऑटोमेटिकली वो जेई मेन से सिंक होता है और तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आ जाएगी। फिर तुमको जनरल एक जो बेसिक फॉर्म वाला रजिस्ट्रेशन होता है वो करना होता है। पहले यार इसके लिए डायरेक्टली 1500 रुपीज़ लिया जाता था, लेकिन अभी जो है फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन बाद में जब सीट एक्सेप्टेंस हम करते हैं, जब हमको सीट मिलती है, सीट के लिए अपन पैसा देते हैं, तब उस समय ये 1500 ऐड हो रहे होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का लगभग जनरल स्टूडेंट के लिए, मेल के लिए 1500 रुपीज़ रहता है। जब अपन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट होती है सर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। भैया जी, ये चॉइस फिलिंग क्या होती है? अब इतनी सारी IITs, 31 NITs, ठीक है, 31 NITs और कितने IIITs हैं मैं भूल गया। तो उन सारे कॉलेजेस उस जोसा के साइट में प्रेजेंट होते हैं, हर एक कॉलेज में जितनी ब्रांचेज है सब प्रेजेंट होती है, और तुम्हारे पास पूरी लिस्ट अवेलेबल होती है। तुमको जा करके अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है, तुमको अपनी खुद की एक लिस्ट वहाँ पर बनानी होती है। तुम भाई यहाँ पर सर्च बॉक्स होगा, तुम सर्च करो NIT सूरत का, NIT सूरत का सर्च करोगे, उसकी सारी ब्रांचेज आ जाएगी, सबके सामने प्लस का ऑप्शन होता है, तुम उस प्लस को दबाते जाओगे, यहाँ तुम्हारे लिस्ट में वो चीज़ ऐड होते जाएगी। और तुमको ऐसे फिल करना होता है कि तुम्हारा ऊपर से नीचे जो है वो
टॉप प्रेफरेंस होना चाहिए, यानी कि जो नंबर वन पे है, जो सबसे टॉप में है, वो तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रीफर्ड चॉइस होनी चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड वाला चॉइस, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे तुमको एक अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट पूरी रेडी करनी होती है कि हाँ भैया मेरे को इस कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए तो मैं भर दूंगा। तो ये तुमको पूरी चॉइस फिलिंग करनी होती है और उसके बाद तुमको उसको चॉइसेस को लॉक करना होता है फाइनल रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले पहले। अगर तुम लॉक खुद से नहीं करते हो तो वो जो सिस्टम है वो तुम्हारी फाइनल जो तुमने एक बार चॉइसेस को रखा है उसको ऑटो लॉक कर देता है। अब इसके बाद यार होता है मॉक राउंड्स 1 और 2। ये मॉक राउंड क्या होते हैं यार? मॉक राउंड 2 राउंड होते हैं जब मतलब लॉकिंग से पहले पहले ही ये मॉक राउंड के रिजल्ट आ रहे होते हैं। मॉक राउंड मतलब कि अब तक जितने स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में भरा है और तुमने जो चॉइस फिलिंग अब तक भर रखी है उसके अकॉर्डिंग तुमको अभी क्या मिल सकता है या क्या मिलने वाला है, ऐसा मतलब वो एक काइंड ऑफ मॉक टेस्ट होता है, वैसे ही एक मॉक काउंसलिंग होती है। फॉर सपोज 25 तारीख को जो है वो लॉकिंग होनी है फाइनल, लेकिन आज है 22 और आज मॉक 1 का रिजल्ट है, मतलब 22 तारीख तक इंडिया में जितने लोगों ने भी काउंसलिंग में चॉइसेस भरी है और तुमने भरी है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी फिलहाल तक तुमको कौन सा सीट मिलने वाली है उसका एक अंदाज़ा मिल रहा होता है। ऐसी राउंड 2 होता है, फिर फाइनल लॉकिंग हो जाती है और टोटल यार 6 राउंड होते हैं जूसा के, राउंड 1 से लेकर के राउंड 6 तक, जहां पर राउंड 1 में हो सकता है तुमको राउंड 1 में ही सीट मिल गई। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फॉर सपोज तुमने 5 चॉइसेस भरी थी, ठीक है, और तुमको 4th नंबर की सीट मिल गई, अब ये 5वें की कोई वैल्यू नहीं बची बिकॉज तुमने प्रेफरेंस ऑर्डर बॉटम टू टॉप भर है, मतलब टॉप तुम्हारा बेस्ट प्रिफर्ड है, तो अब 5वां चॉइस तुमको कभी भी जिंदगी में नहीं मिल पाएगा। तो 4था तुमको मिल गया, तो तुमको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा, जो भी होता होगा। जनरल के लिए 35,000 रहता है मेरे ख्याल से, जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी और गर्ल्स के लिए 15,000 रहता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, वो तुमको जब आएगा पता चल जाएगा। वो तुमको पेमेंट करना पड़ेगा और इस सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जब तुम इस सीट को एक्सेप्ट करोगे, अब राउंड 1 में फॉर सपोज तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, अब भैया अगर मेरे को राउंड 1 में ही 4th नंबर की सीट मिल गई तो मेरे को आगे के राउंड का क्या मतलब? भैया तेरे को 4th नंबर की सीट मिली है तो जो 3, 2, 1 है वो अभी भी जिंदा है, तो आगे हो सकता है राउंड्स में तुमको ये सीट कोई तुम्हारी अपग्रेड हो जाए, ठीक है। तो इसलिए चॉइस फिलिंग तुमको बहुत अच्छे से करनी होती है और राउंड 6 में जो लास्ट राउंड में तुम्हारी सीट होगी वही तुम्हारी फाइनल सीट होगी। अगर तुमको वो सीट पसंद नहीं आ रही है तुम विड्रॉ करके अपना पैसा ले सकते हो, लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम होता है जो कि जोसा डिसाइड करता है, जो तुमको साइट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो तुमको अगर सीट पसंद नहीं आ रही विड्रॉ कर लो, पसंद आ रही एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीट एक्सेप्ट करे, फी पेमेंट करे और डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन ऑनलाइन होंगे, कुछ जो तुमको फाइनल इंस्टीट्यूट मिलता है वहां जा करके तुमको रिपोर्टिंग करके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके बची हुई फीस पेमेंट, जैसे 35,000 तुमने ऑलरेडी दे दिया था सीट एक्सेप्टेंस फी, अब अगर तुम्हारी कॉलेज की फीस उससे ज्यादा है तो तुम और पैसा वहां दोगे बचा हुआ, अगर कम है तो तुमको वापस मिलेगा और जो भी एडजस्टमेंट करके तुम्हारा जो एडमिशन है वो फाइनल हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जोसा काउंसलिंग। अब भैया ये फिर सीसेप काउंसलिंग क्या होती है? यार ये सीसेप काउंसलिंग जोसा काउंसलिंग खत्म हो जाने के बाद होती है। अगर जोसा काउंसलिंग के बाद कुछ सीटें बच जाती हैं उसके लिए यार सीसेप काउंसलिंग कराई जाती है। कुछ लोग होते हैं अपनी सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते, उनके डॉक्यूमेंट्स में गलत निकल जाता है। कुछ लोग जोसा में सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं बाद में बिट्स पिलानी वगैरह में चले जाते हैं, तो वो सारी सीटें खाली बच जाती, तो उसके लिए वापस से गवर्नमेंट सीसेप काउंसलिंग कराता है, जिसको अपन स्पॉट राउंड काउंसलिंग बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। ये IITs के लिए नहीं होती है, ये तुमको सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है। IITs के लिए सिर्फ जोसा होती है, जो राउंड फाइनल राउंड मिल गया बस वही बात खत्म, आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये NITs, IIITs, IISTs और GFTIs के लिए हो रही होती है। इसमें भी सेम तुमको रजिस्ट्रेशन करना होगा, 1-2 दिन का टाइम मिलता है, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग। अब इसमें कोई भी मॉक राउंड वगैरह नहीं होते, सिर्फ 2 स्पेशल राउंड होते हैं, स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड बोलते हैं। राउंड 1 में तुमको अगर सीट मिल गई कोई बची हुई खाली तो तुमको मिल जाएगी, नहीं मिली तो राउंड 2 में मिल जाएगी। तो उस हिसाब से सेम प्रोसेस इसमें होगा, या तो तुम सीट एक्सेप्ट कर लो पसंद आई, या तो सरेंडर कर लो और फाइनल तुमको रिपोर्टिंग करनी होती है। सो ये पूरा लक बेस्ड होता है सीसेप काउंसलिंग की, भैया कितनी सीटें जोसा के बाद खाली बच गई। कुछ कुछ 3, 4, 5, 8 ऐसी सीट खाली बचती है हर एक कॉलेज में, 10 है ना, किसी में लोअर ब्रांचेस में ज़्यादा सीटें खाली बच जाती है, हायर ब्रांचेस में कई बार CSEC इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें तो बहुत मुश्किल से ही बचती है। तो ये पूरा लक बेस्ड है, लेकिन अगर किसी को यहाँ पर सीट, अच्छा कई लोग को ये डाउट आता है भैया यहाँ पर सीट मिल गई है, एक्सेप्ट भी कर लिए हैं,
फिर भी क्या हम बेटर चॉइस के लिए सीसैप में भर सकते हैं क्या, क्या पता मिल जाए? हाँ तुम भर सकते हो, तुम यहाँ पर तुमको लास्ट राउंड में ऑप्शन मिलता है कि क्या तुम सीसैप के साथ जाना चाहते हो कि नहीं, तो तुम वहाँ पर यस करके फिल कर सकते हो। अगर तुमको सीसैप वाली सीट मिल गई तो तुम्हारी जोसा वाली कैंसिल हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग। इसके बाद कोई भी डाउट है यार मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता देना, फील फ्री टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन काउंसलिंग से रिलेटेड, मैं तुम्हारी क्वेरी क्लियर कर रहा हूँगा। और हाँ इस चीज़ को मत भूलना भैया, काउंसलिंग तुम्हारी बहुत तगड़े से होने वाली है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म की भी, व्हाट्सएप ग्रुप की भी, ज्वाइन कर लो और फॉर्म भर दो। मैं मिल रहा हूँ तुमसे ऐसी बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। थैंक्स एवरी वन, बाय बाय।